विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का अध्याय विशेषण। पूर्व की क्लासों में भी आपने विशेषण बहुत बार पढ़े होंगे, वही हम पढ़ेंगे। लेकिन विशेषण क्या है, इससे हम बोर्ड पे लिखे तीन वाक्यों से समझते हैं। मैं इन वाक्यों को कुछ बदलाव कर रहा हूँ। देखिए, यह पेड़ है, अगर यहाँ ये लिखे यह ऊंचा पेड़ है और यहां लिखे वह छोटा पौधा है और यहां लिखे यह सुंदर टोपी है। इन दोनों तरह के वाक्यों में क्या फर्क है? यह रहा, पेड़ रहा, पेड़ रहा, है, लेकिन यह एक शब्द बीच में अलग से है। यहां यह पेड़ कैसा है प्रश्न उठता है। पेड़ छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, पतला है, लंबा है, क्या है? तो यहां यह स्पष्ट हो रहा है कि यह ऊंचा पेड़ है, यानी ये पेड़ की विशेषता बता रहे हैं कि ये पेड़ है वो ऊंचा है। यहां भी पौधे को ये बताया गया है कि पौधा छोटा है, यहां ये बताया गया है कि टोपी सुंदर है। वाक्य दोनों सरल है, लेकिन यहां विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहां पेड़ संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई गई है वो ऊंचा है, यहां पौधा संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई गई वो छोटा है, यहाँ टोपी संज्ञा है जिसकी विशेषता बताएगी वह सुंदर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ऐसे ही अन्य शब्द हम देखें, ऊंचा, छोटा, सुंदर, लंबा, बड़ा, काला, दयालु। अब जैसे यहाँ ये वाक्य है, यह टोपी है, इसको हम अगर इसका प्रयोग करें तो टोपी स्त्रीलिंग है, तो इसका जैसे ही विशेषण का प्रयोग करेंगे यह हो जाएगा यह काली टोपी है या टोपी काली है। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करके बना सकते हैं। इन विशेषणों में जो विशेषण है वो पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन यह विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ये विशेषण, ये शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहां पर पेड़ एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई गई है कि यह ऊंचा है, तो यहां ऊंचा तो हो गया विशेषण और पेड़ हो गया विशेष्य। ऐसे ही यहां पर दूसरा वाक्य हलवा मीठा है, यहां पर हलवा एक संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई गई है कि वह क्या है, मीठा है। विशेष्य बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, इसे हम विशेष्य कहेंगे और इसे हम विशेषण कहेंगे। यहां पर इसको हम विशेषण कहेंगे और इसको हम विशेष्य कहेंगे। इस तरह से आज हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जो शब्द, जो विशेषण या जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी विशेषण का अगला भाग, विशेषण के जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।